नमस्कार, मैं हूं मारिया अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। जैसे बड़े सूबे के कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, अभी हाल ही में सपा सरकार की कानून व्यवस्था से जनता ने सरकार बदलकर यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। विदेश के कानून का राज हो पर अधिकारियों के उदासीन रवैये से योगी सरकार की भी वाट लग रही है। ताजा मामला बलिया जनपद के गढ़वार थाना अंतर्गत तेंदुआ गांव की है, जहां राघव नंदन ने एक मामले में 100 नंबर डायल कर पुलिस की मदद ली, लेकिन यह बात गढ़वार थाना पर तैनात दरोगा अतुल कुमार राय को नागवार लगी और पीड़िता को थाने में पिटाई कर दी। वहीं मुख्यमंत्री को भी भला बुरा कहा, 100 नंबर योजना ने तो हम लोगों की नाक में दम कर दिया है। तो हमने कहा कि भाई इसमें मुख्यमंत्री का क्या गलती है और मुख्यमंत्री को आप लोग क्यों गाली दे रहे हैं? किस तरह की गाली दी है मुख्यमंत्री का? आप देखिए, एक तो जाति सूचक गाली भी थी और माँ बहन की भी गाली थी, जो मैं अभी दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का समर्थक हूँ और इसलिए मैं उस बात को दोहरा नहीं सकता। तो इसी पे लेकर के जो है एसओ साहब ने जो है जोरदार थप्पड़ जो है पीछे मेरे यहाँ पर जो है मस्तिष्क के बाद कई थप्पड़ मारे और काफ़ी वो मतलब जो है मजबूत कदकाठी के हैं, बहुत तेज चोट लगा है मुझे। जो है 10-3 तक जो है मेरे सर में जो है बहुत तेज़ पेन रहा था, नींद नहीं आती थी और जो है मैं काफ़ी परेशान हो गया था। एसपी के पास की दरख्वास्त दिया, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने जो है अप्लीकेशन 23 फरवरी में जो है मैंने अप्लीकेशन दिया है। उसी के संदर्भ में मैं कप्तान साहब के पास और सी ओ सिटी के पास जो मिलने के लिए आया। ट्विटर के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी मैंने पुलिस विभाग को संपर्क करने की कोशिश किया है और कहा भी है कि आप इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करिए। तो ट्विटर के माध्यम से आपने कहा ट्वीट किया है? देखिए, यूपी पुलिस का जो ट्विटर है और यूपी 100 का ट्विटर है और डीजीपी महोदय का है और आपके बलिया का जो है उस पर हमने जो है फॉरवर्ड किया है कंप्लेंट जो है, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। रिस्पांस नहीं, एक बार जो है पीआरओ साहब का फोन आया था, वो पूछ रहे थे क्या हुआ था, तो इसमें एक बार बीच बीच में जो है पुलिस थाने के जो है लोग फोन करके धमकाते भी हैं कई दफ़ा।